वेलकम जी स्टॉक डॉक फॉर यू द यूट्यूब चैनल से। तो इस वीडियो के आप अज गलबात करेंगे RSI की, जो कि एक मोमेंटम इंडीकेटर है। जे तुसी चैनल नहीं सबसक्राइब किया तो सबसक्राइब कर लो, तो नाल दी नाल बैल आइकॉन दबा सकते हो। उस दे नाल तुहानू नोटिफिकेशन मिलेगा जदों मैं फ्यूचर दे विच कोई भी एक नवी वीडियो अपलोड करांगा या जदों भी आपां लाइव जाने हैं। सो लैट्स टॉक अबाउट RSI। सो RSI की है कि एक इंडीकेटर है, जिहड़ा लैगिंग इंडीकेटर है, वो आपां नूं सिग्नल देंदा है कि कदों जिहड़ा ट्रेंड है वो रिवर्स होण वाला है। सो लैगिंग इंडीकेटर का मीनिंग है कि उस ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाता है तो आपां नूं ये बाद दे विच दसदा है। सैकेंड की है कि यह अपने नाल दी नाल सिग्नल देता है कि किहड़ा स्टॉक जिहड़ा ओवरबॉट आ या ओवरसोल्ड। तुसी बहुत वारी ये वर्ड सुनिया होगा कि डिप आने वाली है या पुल बैक होने वाली है। सो आपां नूं RSI तो ही आइडिया लग जाता है कि की ये स्टॉक की जिहड़ी स्ट्रेंथ आ वो वीक हो रही है ते जां स्ट्रोंग हो रही है। सो ताहीं करके इहदा नाम ही की है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडैक्स। सो आपां नूं एक स्टॉक की स्ट्रेंथ दसदा, उन्होंने ही ओवरबॉट या ओवरसोल्ड भी कहा जाता। सो नैक्सट जो आप चार्ट जावे उदो तुम्हें पता लगेगा। तो इस इंडीकेटर आप होर इंडीकेटर्स के नाल यूज़ कर सकते हैं, तो उतो अपन बाय तो सैल का सिग्नल मिल सकता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। नैक्सट जो RSI इंडीकेटर ऑस्किलेटर की तरह होंगे, एक लाइन होंगी है, तो यदा ग्राफ हों 0 to 100। सो उस लाइन उपर थले जाती है। हूँ कई लोग इस लाइन में यूज़ करते हैं 80 to 20। सो उन्हों का की मतलब होंगे है कि जोड़ा 80 आ उतों स्टॉक नू सैल कर चांस ज़्यादा होंगे ने, तो जिते 20 आ उ बाय कर चांस ज़्यादा होंगे ने। तो यही 80 कहा जाता है कि स्टॉक एक ओवरबॉट आ, तो जो 20 लाइन होंगी उदो कहा जाता कि स्टॉक ओवरसोल्ड। जिहड़े डिफेंसिव ट्रेडर होंगे ने, जिहड़े थोड़ा जिहा बहुत ध्यान दे नाल ट्रेड करते हैं, किसी भी ट्रेड के जल्दी एंटर नहीं होना चाहते, वो 80-20 यूज़ करते हैं। पर दूसरे पास बहुत सारे जिहड़े डे ट्रेडर ने, जिहड़े थोड़े जिहे अग्रैसिव ट्रेड करते हैं, वो 70-30 जिहड़ा आ सिग्नल यूज़ करते हैं। सो 70 का मीनिंग अगेन सेम ही है कि स्टॉक जिहड़ा आ ओवरबॉट आ, तो ये पुल बैक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा ने। तो जो RSI 30 ते आ उहदा सिग्नल हुंदा आ कि जिहड़ा स्टॉक है वह ओवरसोल्ड है, तो इत्थे जिहड़ा स्टॉक के बाउंस करने के चांस बहुत ज़्यादा ने। सो यह RSI इंडीकेटर है। हुण इस पिक्चर के विच आपां डीप डाइव करके समझते हैं कि RSI जिहड़ा आ वो किदां वर्क करता है। सो ये दो लाइनस ने, टॉप ते है जिहड़ी 70 वाली है, तो जिहड़ी बॉटम ते आ 30 वाली है। सो जदों भी ये परपल लाइन, तो तुसी येलो लाइन नूं इग्नोर कर देना, पर जिहड़ी आ परपल लाइन आ जदों भी ये 70 तो उपर आ उहदा मतलब की है कि जिहड़ा स्टॉक आ ओवरबॉट आ, तो उत्थों स्टॉक थले डिगूगा। जदों भी ये 30 ते आ या 30 तो थले आ, तो उहदा मतलब की है कि स्टॉक जिहड़ा ओवरसोल्ड आ, तो उहदे उपर चांस जाण दे चांस काफ़ी ने। सो इसते उपर आपां नूं चार्ट भी होगा। सो जे जिथे भी नंबर 1 लिखा, जे तुसी उत्थे देखोगे तां ये 30 तो थले आ। हुण इत्थे की मतलब है, जे आपां स्टॉक नूं देखांगे तां स्टॉक नाल दी नाल अपनी सपोर्ट ते है, RSI 30 ते है, तो आपां एंट्री लै सकदे हां। सैकेंड नंबर ते जे आपां देखिए, इत्थे भी स्टॉक जिहड़ी RSI है वह हैगी 30 तो थले, इत्थे भी जे अपना स्टॉक जिहड़ा सपोर्ट ते आपां एंट्री लै सकदे हां। नंबर 3 ते देखिए तां उह 70 तो उपर आ, इत्थे चांस ने कि स्टॉक थले डिगूगा। अगेन नंबर 4 ते भी 70 तो उपर है, 5th ते भी 70 तो उपर है, इत्थे भी चांस ने कि जिहड़ा स्टॉक आ वो थले डिग सकदा, पुल बैक आ सकती है। जिहड़ा नंबर 6 है उत्थे चांस ने कि स्टॉक दे उपर जा सकदा है, इत्थों स्टॉक बाउंस करेगा। सो नैक्सट एग्जाम्पल दे विच आपां देखदे हां कि आपां उसनों ट्रेड किद्दां करना। सो ये एग्जाम्पल हैगी है RSI की ओवरसोल्ड की, जाने कि जदों RSI 30 नूं टच कर रही है। सो तुसीं देखोगे RSI बॉटम ते जिथे नंबर 1 ते आ 30 तो थले आ, नाल दी नाल मेरा जिहड़ा स्टॉक आ वह भी मेरी सपोर्ट ते आया, तो इत्थों मैं बाय कर सकदा। नंबर 2 ते आ जिथे RSI अगेन 30 तो थले आ, मेरा स्टॉक भी सपोर्ट ते आ, इत्थों मैं बाय कर सकदा। पर नंबर 3 ते स्टॉक मेरा सपोर्ट ते जरूर है, जिथे मेरा फस्ट एंट्री सी नंबर 1 दी सी, पर जिहड़ी RSI वह मिडल दे विच आ। सो जदों भी RSI मिडल दे विच आ आपां एंट्री नहीं लैनी, वो एंट्री बहुत रिस्की है, क्योंकि जिहड़ा स्टॉक आ वो किसी साइड नूं भी जा सकदा। फॉर एग्जाम्पल आपां मान लो रोड ते जा रहे हां, रोड दे रस्ते दे विच सेंटर दे विच कोई बंदा खड़िया कि आपां ड्राइव कर रहे हां, हुण आपां नूं ये नहीं पता कि जिहड़ा सेंटर दे विच बंदा खड़िया कि उहने लैफ्ट नूं जाणा रोड दे जां राइट नूं जाणा है। सो उत्थे आपां बहुत कन्फ्यूज़ होवांगे। पर फॉर एग्जाम्पल जे कोई बंदा राइट ते खड़िया, तो आपां नूं पता ही है कि जे उहने रोड क्रॉस करनी है तो रोड क्रॉस करके
लैफ्ट नूं ही जाऊगा, जे लैफ्ट ते खड़े आया ते आपां नूं पता ही है कि उन्हें रोड क्रॉस करके राइट नूं ही जाना है। सेम तरह जे आर एस आई 30 ते आ ते आपां नूं चांस ने कि उपर नूं जाऊगी, पर जे आर एस आई 70 है तो चांस ने कि थले नूं डिगूगी, पर जे मिडल दे विच आ तो किसी साइड नूं भी जा सकती है, उस टाइम ते तुसीं एंट्री नहीं लैनी। नैक्सट आपां गल करदे आ आर एस आई ओवरबॉड की, जो आर एस आई 70 तो बाबा। सो इत्थे तुसीं देखोगे अगेन स्पाई दा चार्ट आ कि नंबर 1 दे उपर जिहड़ी आर एस आई 70 तो उपर आ, नाल दी नाल जिहड़ा स्टॉक आ वह मेरी बनाई हुई रेजिस्टेंस नूं टच कर रहा, तो इत्थे आपां एंट्री लै सकदे आ। अगेन नंबर 2 दे उपर जिहड़ा आ आर एस आई 70 तो बाबा ते जिहड़ा स्टॉक और रेजिस्टेंस नूं टच कर रहा, तो आपां एंट्री लै सकदे आ। नंबर 3 दे उपर हुण आपां एंट्री नहीं लवांगे, चाहे आर एस आई तां 70 तो बाबा, पर इत्थे की है कि जिहड़ा अपना स्टॉक आ वो अपनी किसी भी रेजिस्टेंस नूं टच नहीं कर रहा, इस करके अपने को डबल सिग्नल नहीं है, आप सिर्फ कल्ली आर एस आई के सिर पर ही एंट्री नहीं लैनी। सो बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़ी चीज़ तां तुसीं याद रखनी है कि यही कि जदों भी आर एस आई 70 ते आ जां जदों भी आर एस आई 30 ते आ तां तुसीं एंट्री ले लो, नाल दी नाल एक अद्धा होर इंडीकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस तो तुहानूं सिग्नल मिलना चाहिए कि इत्थे एंट्री लैनी चाहिए है या नहीं। पर बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो जो आर एस आई 30 ते हुंदी है तां एंटर हो जाते हैं कि चलो हुण उपर चले जाएगा, पर कई बार की हुंदा वा कि एक एक्सटेंडेड मूव हो जाती है आर एस आई जो 70 या 30 नूं टच करता, उस तो बाद भी स्टॉक अप ही जाता रहिंदा है। फॉर एग्जाम्पल जे आपां मान लईए कि नंबर 2nd ते आर एस आई 70 ते आ, पर हो सकता कि स्टॉक एक एक्सटेंडेड मूव करके अप ही करी जाए फॉर लोंग पीरियड ऑफ टाइम, सो उस दे विच आपां स्टक हो सकते हैं जे आपां कल्ली आर एस आई नूं देख के ट्रेड लैंदे हाँ। इसलिए तुसीं सपोर्ट ते रेजिस्टेंस नूं भी देखना है, रिजैक्शन ते बाउंस की वेट करनी है। नैक्सट स्लाइड के आप देखते हाँ आर एस आई डाइवर्जेंस। सो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जे तुसीं आर एस आई ना काफ़ी ज़्यादा फमिलियर हो जाते हो ओवर द टाइम तो तुसीं डाइवर्जेंस भी देख के ट्रेड कर सकते हो। सो इहदा जिहड़ा लैफ्ट पार्ट है वो हैगा बेरिश डाइवर्जेंस, राइट हैंड साइड है बुलिश डाइवर्जेंस। हुण सब तो पहले आप अंडरसटैंड करते हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस की होंगी है। हुण इस दे विच की है कि जिहड़ा स्टॉक का प्राइस आ वो स्टिल अप जा रहा हुंदा, पर जिहड़ी आर एस आई है जिहड़ा इंडीकेटर है वो अपना की है कि थले डिगना शुरू हो जाता। सो आर एस आई की है, यह हैगी है कि जिदा आप गड्डी चला रहे हैं तो मान लो कि तुसी यू टर्न मारनी है, हुण जे तुसी 100 की स्पीड पर जा रहे हो यह तो है नहीं कि आप 100 की स्पीड पर ही यू टर्न मार देंगे, हुण उस दे विच सब तो पहला तुसी की करोगे अपनी जिहड़ी स्पीड आ उहनूं स्लो करना शुरू करोगे तो बाद दे विच यू टर्न लाओगे। सेम जदों जिहड़ा आर एस आई इंडीकेटर आ, हुण फॉर एग्जाम्पल कि आर एस आई इंडीकेटर इत्थे 70 नूं टच कर गया तो स्टॉक उपर जा रहा, सो जे आप देखिए ए ते बी ये स्टिल हायर हाइज बना रहा, पर जिहड़ा इंडीकेटर आ जिहड़ा आर एस आई है उन्हें की है कि लोअर हाइज बनाने शुरू कर दते। हुण उसका कारण की होया कि उन्हें अपनी स्पीड स्लो हो गई, जिहड़ा मोमेंटम आ वो वीक होना शुरू हो गया। सो तुहानूं मैं स्टार्टिंग दे विच की दस्सिया सी कि आर एस आई की है एक मोमेंटम इंडीकेटर है, हुण इन्हें आपां नूं दस दिता कि जिहड़े स्टॉक की अप जाण की स्पीड आ वो स्लो होगी, वीकनैस आनी शुरू हो गई है तो चांसिस ने कि स्टॉक इतों डिग सकता। सो जदों भी ये इस तरीके नाल आर एस आई थले आना शुरू करे तो स्टॉक स्टिल अप जा रहा हो आर एस आई 70 के नेड़े आ तो चांसिस ने कि स्टॉक डिग सकता। सो इस दी आपां एग्जाम्पल देखांगे इस साइड पर, सो ए बी तो इत्थे बॉटम ते ए बी। हुण जे आपां देखिए टॉप ते स्टॉक स्टिल अप जा रहा है पर जिहड़ा आर एस आई वो 70 नूं टच करके थले डिगना शुरू हो गया। सो इतों आप पता लग जाता है कि जिहड़ा मोमेंटम आ स्टॉक का स्लो हो गया, आर एस आई 70 नूं टच करके जिहड़े लोअर हाइस बनाउन लग गया, इत्थे चांस ने कि स्टॉक भी पिछे यू टर्न लैके आ सकता। हुण उस तो उल्टा आप गल करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की, हुण उस दे विच की हुंदा है कि जिहड़ी आर एस आई आ वो 30 नूं टच करके उपर जाना शुरू कर देंदी आ, पर स्टॉक स्टिल अजे थले आ रहा हुंदा। सो हुण आर एस आई आपां नूं की इंडीकेट कर देंदी है कि जिहड़ा मोमेंटम आ वह स्ट्रोंग होना शुरू हो गया, स्टॉक जिहड़ा आ वह अप जाण दे चांस है ने। सो सेम इस दी जे आपां एग्जाम्पल देखिए तो तुसीं इत्थे देख सकते हो सी ते डी दे विच। सो सी ते डी दे विच की है कि चार्ट जिहड़ा अजे स्टॉक का प्राइस वह स्टिल डाउन जा रहा, पर जिहड़ी आर एस आई वह 30 नूं टच करके उन्हें अपना बुलिश ट्रेंड बनाउणा शुरू कर दिता, इस करके चांसिस ने कि जिहड़ा स्टॉक आ वो इतों यू टर्न लैके आपनों जा सकता है। हुण ये सारी वीडियो देखने तो बाद तुहाडा मेन होमवर्क की है कि तुसी घट्टो घट 30-40-50 चार्ट देखो,
आर एस आई यूज़ करने तो पहला तो उन्होंने आर एस आई इंडीकेटर लगा के ते नाल दी नाल अपने सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रा करके देखो कि जदों आर एस आई 70 ते जांदी आ स्टॉक थले डिगदा कि जदों आर एस आई 30 ते जांदी आ स्टॉक अप जांदा ते जे मैं सपोर्ट रजिस्टेंस ते आर एस आई नूं देख के ट्रेड करदा ते किन्नियां क ट्रेड आपां दिन दे विच लै सकदे आ उहदे विचों किन्नियां क सक्सैसफुल होणगियां किन्नियां क अनसक्सैसफुल होणगियां। सो ये नहीं कि आप सिर्फ आर एस आई नूं पढ़ लिया ते नाल दी नाल लगा के ते 70-30 नूं देख के ट्रेड करना शुरू कर दिता। सो इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। सो तुसीं जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जिन्ना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उन्ना ही तुसीं इन्हां सारे इंडीकेटर्स नूं वधिया यूज़ करके ते स्टॉक मार्केट दे विच डे ट्रेडिंग दे विच ऑप्शनस ट्रेडिंग दे विच वधिया प्रॉफिट बना सकदे हो। बाकी ये वीडियो दी किद्दां दी लगी तुहानूं कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ। थैंक यू, टेक केयर।